मोह से पीड़ित जीव संसार में दुख उठाते हैं, परंतु स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा मोह शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले निर्मोही संत प्रतिकूलताओं में भी सुखी ही रहते हैं। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर रही है प्रस्तुत लघु कथा निर्मोही संत। मानत क्यों नहीं रे नर सीख सयानी। बच्चों, ये भजन है पंडित दौलत राम जी का। अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले 19वीं सदी के तत्वदर्शी विद्वान पंडित प्रवर दौलत राम जी का जन्म यहाँ तीर्थधाम मंगलायतन के पास ही सासनी नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण गृहस्थ, सरल स्वभावी, आत्मज्ञानी पुरुष पंडित दौलत राम जी कवि थे, जिन्होंने अपनी काव्य शक्ति का उपयोग अध्यात्म रस से ओतप्रोत ऐसी रचनाओं में किया जिससे जीवों का हित हो। उनकी अनुपम कृति छह ढाला को, जो कि छोटा समय सार कहलाता है, दिगंबर समाज के जन जन के हृदय में स्थान प्राप्त है। इसमें पंडित जी ने जीवों के दुख का कारण एकमात्र मोह बताया। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादि। एकमात्र मोह रूपी मदिरा पान ही के कारण ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। शरीर, धन, मकान, कुटुंब परिवार की मोह ममता में मगन होकर अपनी आत्मा से अनजान रहना एक तरह से मदिरा पान ही तो है। बच्चों, संसार में रुलते हुए जीव ने अनादि से मोह रूपी मदिरा का पान किया है। जैसे उन्मत्त पुरुष भान रहित होकर जहाँ कहीं भी गंदगी में पड़ा रहे, वैसे ही मोह से उन्मत्त जीव चारों गतियों में जहाँ तहाँ रुलता है। संसार में भ्रमण करते हुए जीव ने नरक का दुख भी भोगा, स्वर्ग का देव होकर वहाँ भी दुख भोगा,
लाखों जीवों की हिंसा का भाव भी किया और त्यागी होकर महाव्रती के शुभ भाव भी किए, परंतु अशुभ व शुभ ऐसा जो कषाय चक्र उससे बाहर नहीं निकला, मोह का नाश नहीं किया। इसलिए अज्ञानी मोही जीव का कोई ठिकाना नहीं कि कब किस भाव में रुलेगा। चारों गतियों में रुकता हुआ कभी पुण्य से स्वर्ग में, पाप से नरक में जाता है, अपनी भूल से भ्रमण करता है और निज चैतन्य परमेश्वर को यानी निज भगवान आत्मा को साथ ही साथ रखकर घूमता है, लेकिन अंतर में मैं स्वयं चैतन्य परमेश्वर रूप से विराज रहा हूँ ऐसा नहीं जानता। यदि एक बार ऐसा जान ले कि ये चैतन्य परमेश्वर मैं स्वयं ही हूँ, तो अनादिकाल की भूल और अज्ञान का नाश हो जाए और मोह का नाश होने से उस निर्मोही धर्मात्मा को फिर प्रतिकूलताओं में भी दुख नहीं होता। निर्मोही बहिर दुख में रहे दुख संवेदनहीन, करते परमानंद से कर्म ईंधन प्रक्षीण। बच्चों, देह से भिन्न आत्मा की जिसको पहचान हो जाती है उसे शरीर अपना भासित ही नहीं होता। इसीलिए तो बाह्य में शरीर को शेर खा रहा हो, शरीर अग्नि से जल रहा हो, परंतु उपयोग स्वरूप आत्मा में अंतर निमग्न होकर उपशम रस में तर बतर हो तो जरा भी दुख नहीं होता। आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, परंतु आत्मा का जहां ज्ञान ही ना हो वहां सुख कैसे हो? और सुख स्वरूप आत्मा को पहचान कर आत्मा में ही आत्मपने परिणमित हो तो सुख क्यों ना हो? बच्चों, ऐसे आत्मानुभवी निर्मोही संत घर में रहते हुए भी अलिप्त रहते हैं। जैसे जल के बीच में रहा हुआ कमल जल से अलिप्त ही रहता है, ऐसे निर्मोही धर्मात्मा चलते हुए भी स्थिर हैं, बोलते हुए भी मौन हैं, क्योंकि शरीर से और वचन से भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पहचान लिया है, उसी में ही निरंतर वर्तते हैं। क्योंकि आत्मानुभवी निर्मोही संत जानते हैं कि शरीर की रोग निरोग दशा, निर्धनता, धनवानपना, निंदा या प्रशंसा होना, ये सब संसार के पुण्य पाप की दशा है। आत्मा तो इन सब पुण्य पाप से पार, संयोगों से पार वस्तु है। यहाँ देह छूटने पर जीव दूसरे भाव में चला जाता है, मर नहीं जाता। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर मिला, परंतु आत्मा बदलकर दूसरा नहीं हो जाता। इसलिए संयोगों से भिन्न आत्मा को पहचानने वाले निर्मोही ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही भय रहित रहते हैं, लोक परलोक की चिंता से मुक्त रहते हैं। ऐसे ही आत्मानुभवी निर्मोही जीवों से भरी थी निर्मोही नगरी, जहाँ का राजा निर्मोही, परिवार निर्मोही, प्रजा भी निर्मोही। एक बार इस निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का निर्मोही राजकुमार जंगल में रास्ता भूल गया और भटकता हुआ एक साधु के आश्रम में पहुंचा। जय जिनेंद्र महाराज। अरे भैया, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का ज्येष्ठ पुत्र निर्मोही राजकुमार हूँ। वन में रास्ता भूलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या कहा? निर्मोही नगरी, निर्मोही राजा, निर्मोही राजकुमार? क्यों भैया, क्या तुम्हारी नगरी में सभी निर्मोही हैं? हाँ महाराज, हमारी नगरी में सभी निर्मोही हैं।
निर्मोही नगरी में सभी निर्मोही हैं, इस बात की परीक्षा के लिए तो मुझे वहां जाना ही होगा। अरे भैया, तुम तो थके हुए दिखते हो, तुम यहाँ आराम करो, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे बेटी, तुम कौन हो? मैं निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा की बड़ी पुत्रवधु की निर्मोही दासी हूँ। अरे बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे राजकुमार वन में गए थे, वहाँ एक जंगली शेर ने उन्हें मार डाला। महाराज, जो फूल सवेरे खिला है वह संध्या के समय तो मुरझाएगा ही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह तो निश्चित है, राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अरे, यह तो निर्मोही नगरी की दासी भी निर्मोही है। आहा, कितना अच्छा, आज तो मैं इसे पूरा खाऊंगा। अरे बेटा, तुम कौन हो? महाराज, मैं इसी निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का ही छोटा निर्मोही राजकुमार हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा भाई वन में गया था, वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला। महाराज, एक वृक्ष पर दो आम लगे थे, उसमें से एक गिर गया और एक अभी लगा है। वह गिरा हुआ आम दूसरे को बता रहा है कि एक दिन उसे भी गिरना है। आपने इस तनिक सी बात के लिए व्यर्थ ही कष्ट उठाया। अरे, यह तो राजपुत्र भी निर्मोही है। लगता है यह सारी नगरी ही निर्मोही है। खैर, मुझे अन्य लोगों की परीक्षा के लिए जाना चाहिए। आइए महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटी, तुम्हारे लिए एक अत्यंत दुखद समाचार है। तुम्हारे पति जंगल में गए थे, वहाँ एक जंगली शेर ने उन्हें मार डाला और तुम विधवा हो गई हो। महाराज, जब हमारा विवाह हुआ था तब दो व्यक्तियों का संयोग हुआ था और तभी यह निश्चित हुआ था कि दोनों में से किसी एक को पहले तो जाना ही है, चाहे पत्नी पहले जाए अथवा पति। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी अवश्य ही होता है, इसमें दुख की क्या बात है? दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखनहार। अरे, ये तो निर्मोही राजा की पुत्र वधु भी निर्मोही है। महाराज, महारानी जी, आपके लिए एक अत्यंत दुखद समाचार है। महाराज, क्या दुखद समाचार है? महारानी जी, आपका ज्येष्ठ पुत्र वन में गया था, वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला। महाराज, जब मैंने अपने पुत्र को पहली बार गोद में लिया था, आयु तो उसकी तभी से छन छन करके कम होती जा रही थी, सो वह खत्म हो गई है। इसमें अनहोनी कैसी? जो उत्पन्न होता है वह अवश्य मरता है, संसार का ऐसा ही नियम है। महाराज, आज तक संसार में कोई अमर नहीं हुआ। संयोग के साथ वियोग, जन्म के साथ मरण और उत्पत्ति के साथ विनाश निश्चित है। इन्हें ना कोई रोक सका है और ना ही कोई रोक सकता है, यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। अरे, यह तो सारी नगरी ही निर्मोही है, राजा और प्रजा सभी निर्मोही हैं। अब तो मुझे वापस जाकर युवराज के निर्मोही बनने की परीक्षा करनी है। महाराज, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ।
अरे भैया, क्या बताऊं अपने देर से लौटने का कारण। मैं तुम्हारी नगरी में गया था। तुम्हारी नगरी में आग लग गई थी, जिसमें तुम्हारे माता पिता पत्नी भाई सभी जल गए। सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, जिनकी व्यवस्था करने में मुझे समय लग गया। महाराज, किसका बाप, किसकी माँ, किसकी पत्नी और किसका भाई, ये सब तो शरीर के साथ यही रह जाएंगे। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। धन संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोए। देखा बच्चों, ऐसी है भेद ज्ञान की महिमा। यदि ये आत्मा शरीर और आत्मा को उनके भिन्न भिन्न लक्षणों द्वारा अलग अलग जानकर स्वयं को चैतन्य स्वरूप ही देखे तो मोह का नाश हो, फिर बाहर में सुखी दुखी होने का प्रश्न ही ना हो। बच्चों, जैसे मिट्टी के सांचे में एक शुद्ध चांदी की प्रतिमा बनाई जाए, वैसे ही इस शरीर के सांचे में इस आत्मा को जानना चाहिए। मिट्टी का सांचा समय पाकर गल जाता है, जल जाता है, टूट जाता है, लेकिन चांदी की प्रतिमा ज्यों की त्यों बनी रहती है। वैसे ही समय पाकर शरीर नष्ट होता है तो हो, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा की पहचान कर शरीर आदि के प्रति मोह छोड़ देना चाहिए। बच्चों, जैसे नमक की डली में सर्वत्र क्षार ही क्षार है, शक्कर की डली में सर्वत्र मिठास ही मिठास है, उसी प्रकार आत्मा के सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन मोह के कारण निस्वरूप से अनजान जीव बारंबार जन्म मरण धारण करता है। अरे, भेद ज्ञान द्वारा अंतर की अनुभूति से जिसने आत्मदर्शन कर लिया वह धन्य है। शास्त्रों में जिस चैतन्य वस्तु की महिमा गाई है, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को जिसने पा लिया है वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। पंडित दौलत राम जी छेहराला में कहते हैं, धनी धन्य है जे जीव नर्भव पाई यह कारज किया, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। स्वयं को पहचान कर मोह का नाश करके जन्म मरण के दुखों से हमें छूटना ही है। इसी भावना के साथ बच्चों, जय जिनेंद्र।